मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी अब हम सबके बीच नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में 82 वर्ष की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। जस्टिस लाहोटी ने जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दी थीं। वे पिछले एक हफ्ते से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। कुल 17 महीने तक भारत के चीफ जस्टिस रहे लाहोटी को अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था। वे बहुत नपेतुले शब्दों में अपनी बात रखते थे। बतौर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लाहोटी तब पहली बार चर्चा में आए थे जब उन्होंने अपने से पूर्व के सीजीआई के एक बयान को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वच्छ है। जस्टिस लाहोटी ने अपने कार्यकाल के दौरान ही 1983 का अवैध प्रवासी एक्ट को भी रद्द कर दिया था। उन्होंने इसे संविधान के अधिकार से बाहर रहकर बनाया गया नियम बताया था। जस्टिस आरसी लाहोटी उस वक्त भी खूब चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने कांची शंकराचार्य के मामले में दोनों आरोपियों को जमानत दे दी थी। ये मामला 2004 में तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर कार्यालय में शंकर रमन हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।